हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सारण फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सरसों का साग और मक्के की रोटी। तो उसके लिए पहले दीदी काट रही है साग को, और इसके पत्तों को अच्छे तरीके से बारीकी से चेक करके काटना पड़ता है, तो इसमें टाइम तो लगता है। और देखिए फ्रेंड्स, दीदी ने साग को काट लिया है और अब मैं इसे धो दूंगी अच्छे तरीके से, ताकि इसमें जितने भी धूल मिट्टी है अच्छे से निकल सके। और देखिए फ्रेंड्स, पीछे जैस खेल रहा है अपने ट्रक के साथ, और इनके पापा बैठे हैं और इनकी दादी भी कुछ कर रही हैं। और देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे अच्छे तरीके से धो लूँगी, क्योंकि साग को कई बार ही धोना पड़ता है तभी इसकी धूल मिट्टी अच्छे से निकलती है। पर मैं हर बार तो धोते हुए आपको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और देखिए, मैंने पालक को भी धो लिया है, और अब मैं इसे डाल दूंगी कुकर में, क्योंकि इसे मैं पहले कुकर में उबालूंगी। और देखिए फ्रेंड्स, जैस चल दिया है घेर में खेलने के लिए, क्योंकि ये वहाँ धार निकालेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुकर को गैस पर रख दिया है, और अब मेरी दीदी छील रही है अदरक को। और अब ये अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, इन सबको ओखली में बारीक कूट देगी। देखिए फ्रेंड्स, कुकर में पूरा साग नहीं आया है, ये बचा हुआ है, और इसलिए ये थोड़ा नीचे हो जाएगा, तब मैं इसमें डालूंगी ये सारा साग। और तब तक मैं डाल देती हूँ इसमें एक गिलास पानी। अब ये जैसे ही नीचे हो जाएगा, मैं इसमें ये साग डाल दूंगी। और देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसके ढक्कन को बंद कर दूंगी, और अब इसमें सीटी आ चुकी है। मैं इसकी सीटी को निकाल कर देखती हूँ, मुझे लगता है कि ये गल चुका है। अब मैं इसे दोनों थालियों में फैला दूंगी, ताकि ये ठंडा हो सके, और फिर इसको निचोड़ कर इसमें आलन वगैरह लगाकर इसमें तड़का लगाया जा सके। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत गर्म है अभी, और तब तक ये ठंडा होता है तब तक मैं तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। ये मैंने इसमें डाल दिया है रिफाइंड ऑयल, और अब मैं इसमें डाल दूँगी अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट। और गैस मेरी कम थी, मैंने पूरी कर ली है। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको अच्छे से मिला दूँगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी, नमक, मिर्च मसाला, सब कुछ। और ये दीदी मेरी कुछ मुझे बोल कर गई है। देखिए, ये मेरा तड़का अच्छे से तैयार हो गया है, और इसकी दादी दूध ले आई है, दूध को रख दिया है। और देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा बन गया है ये। और तब तक साग को मेरी दीदी निचोड़ती है, तब तक मैं आटा छान लेती हूँ। मैंने थोड़ा सा गेहूं का आटा छाना है, और अब मैं डालूँगी इसमें मक्के का आटा, ताकि रोटियाँ टूटे ना। और ये मेरी दीदी अब साग में आलन को लगा देगी, हमने बेसन का आलन लगाया है। और मैं पहले कर लेती हूँ थोड़ा पानी गरम, क्योंकि गरम पानी से आटा गूंदूँगी, क्योंकि ठंड आ गई है, ठंडे पानी से आटा गूंदते हैं तो उससे ही नहीं रहता। तो मैं थोड़ा सा हल्का हल्का इसको गरम कर लूँगी। और ये मैंने दाल घमना दे दिया है मेरी दीदी को, क्योंकि ये मेरी दीदी अब इस साग को अच्छे से घोट देगी। हम दोनों बहनें इसी तरह से मिलजुल कर काम करती हैं। और मैंने इसमें डाल दी है अजवाइन, और मेरा पानी गर्म हो चुका है। अब मैं इसे लोटे में डाल दूंगी, तब तक मेरी दीदी साग को अच्छे से घोट देगी। अजवाइन डालने से थोड़ा सा रोटियाँ अच्छी बनेगी, इसलिए मैंने आटे में डाली है अजवाइन, नमक, और मैं आटा गूंथ लूंगी, और तब तक मेरी दीदी साग को घोट देगी।
और देखिए फ्रेंड्स साग कितने अच्छे से घुट रहा है, पर यहाँ पर दबाव नहीं पड़ रही है, इसलिए वो ज़मीन पर रखकर साग को घोट लेगी। तब तक मैं आटा गूंध लेती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स साग को घोट कर ये ले आई है और इसमें अब डाल दिया है तड़का। और ये देखिए साग हो गया है रेडी और अब हम करेंगे रोटी बनाने की तैयारी, क्योंकि आटा भी गूंध चुका है। देखिए फ्रेंड्स मेरी दीदी साथ के साथ रोटियां दे रही है और हम साथ साथ बना रहे हैं और साथ साथ घर वालों को रोटियां परोस रहे हैं, क्योंकि आज सभी वेट में हैं, क्योंकि सरसों का साग और मक्के की रोटी का तो सभी को वेट रहता है, क्योंकि बहुत अच्छी बनती है। फ्रेंड्स आप भी जानते हैं कि ये खाने में कितनी टेस्टी लगती हैं, इसलिए सब वेट में थे और मेरी दीदी साथ के साथ सभी को दे रही है और साथ में रोटियों को सिकवा रही हैं। और देखिए फ्रेंड्स जैसे ही मेरी दीदी रोटी देने के लिए जाती हैं, तब तक मैं रोटियों को सेक देती हूँ और ये थोड़ी थोड़ी सी हल्के हल्के फट जाती है रोटियाँ किनारों से, इसलिए मैं इन्हें रिपेयर कर दूँगी साथ के साथ। और एक गैस पर ये नहीं पकती है, क्योंकि इन्हें थोड़ी सी आँच ज़्यादा चाहिए और हम दोनों लगी हुई हैं, इसलिए गैस भी दोनों ही चलेगी, क्योंकि रोटियाँ जल्दी बन रही हैं। और देखिए फ्रेंड्स हम रोटियां भी बना लेंगे और साथ के साथ बातें भी कर लेंगे। और फ्रेंड्स आप एक लाइक करने में इतनी कंजूसी क्यों करते हैं, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए फिर डेली वीडियो अपलोड किया करूँगी। और देखिए फ्रेंड्स मक्के की रोटियां कितनी अच्छी बनी हैं और ये खाने में भी इतनी ही टेस्टी लगेगी। देखिए फ्रेंड्स मक्के की रोटी और सरसों का साग हो गया है तैयार और आप भी खा लीजिए। ये देखिए खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और एक लाइक तो ज़रूर कर देना। और मैं आपसे मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।